हेलो दोस्तों, देखिए यहाँ पर ब्लाउज़ को मैंने इस प्रकार से कट किए हैं और यहाँ पर मैंने इसको बॉटनेक ब्लाउज़ कट किया है। तो यहाँ पर आपको जितना मार्जिन इसमें डालना है, जितना लुजन डालना, आप इसमें पहले डाल के उसके बाद आप यहाँ पर आपको डिज़ाइन को इस प्रकार से बनाना शुरू करना है। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ से इसको डिज़ाइन बनाने के लिए आधा इंच कपड़े को यहाँ से हमें कट कर लेना है। इस प्रकार से हमें कपड़े को कट करना है और उसके बाद हमें यहाँ पर इसको मेन फैब्रिक पर अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस प्रकार से इसको रखा है और यहाँ पर हमें नीचे की साइड में सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर हमें आधा इंच का मैंने मार्जिन छोड़ा था, तो उसको मैं इस प्रकार से सिलाई लगा लेना है और यहाँ से हमें एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद में यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार से फोल्ड करना है, फोल्ड करके इसको मैं सिलाई लगा देना है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं पूरे ब्लाउज़ पर इस प्रकार से सिलाई लगा के इसको मैं अटैच कर लेना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे और ऐसे ही आपको डिज़ाइनर वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस प्रकार से इसको पूरे को अटैच कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा जो भी मार्जिन है उसको मैं कट कर देना है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर दोनों पार्ट्स रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस प्रकार से गले को रेडी करने के लिए एक हमें और भी कपड़ा कट करना है, जिसकी मैंने चौड़ाई 1.5 इंच रखी है। तो यहाँ पर हमें इसको इस प्रकार से इसे लगाना है। ऐसे लगाने के बाद में यहाँ पर इसको इस प्रकार से इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर हमें ये पट्टी बना लेना है। तो आपको यहाँ पर इसी प्रकार से दोनों पार्ट्स को रेडी कर लेना है। देखिए, मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट्स को बराबर में रेडी कर लिया है और आपको इनको एकदम बराबर में नाप के देख लेना है। इसकी लंबाई आपको दोनों की बराबर रखना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको इसको बनाने के लिए पहले तो आपको एक डोरी निकालना है। तो यहाँ पर मैंने प्लेन कपड़ा लिया है जो कि ब्लाउज में साइड में आया था, तो उसी से हम यहाँ पर डोरी बना लेंगे। अगर आपके पास में प्लेन कपड़ा नहीं हो तो आप यहाँ पर दूसरा कपड़ा लेके डोरी निकाल लेना, लेकिन आपको यहाँ पर प्लेन कपड़े की ही डोरी निकालनी है। डोरी निकालने के बाद में यहाँ पर देखिए, मैंने जो डोरी की चौड़ाई रखी है वो 1 बूट की रखी है, यानी 1.5 इंच की मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। और यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार से 4.5 इंच की हमें ये डोरी निकाल के हमें इसके टुकड़े कट कर लेने हैं, यानी हमें 4.5 इंच के ये ढेर सारे टुकड़े कट कर लेने हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार से डबल में फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर हमें सिलाई लगा देना है। इस प्रकार से एकदम बराबर में इसको मैं फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। देन उसके बाद हमें यहाँ पर इसके बिल्कुल सेंटर में हमें सिलाई लगाना है, यानी डोरी को हमें इस प्रकार से ऐसे रखना है और सेंटर में हमें सिलाई लगा देना है। डोरी के बीच में हमें मार्जिन ज़्यादा नहीं छोड़ना है, यानी हमें यहाँ पर ये चपटी डोरी बनाना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ढेर सारी डोरी बना के और रेडी कर लेना है। ये देखिए, मैंने इस प्रकार से इसको बनाया है, तो इसी प्रकार से आपको ये डोरिया बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको ये ब्लाउज की लंबाई नाप लेना है। तो यहाँ पर देखिए, इसकी जो लंबाई है वो 10.5 इंच आई है। अब आप अपने पसंद के हिसाब से इसमें यहाँ पर डोरी लगा सकते हो। जैसे कि दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पर इसमें 1.5 इंच पर हमें इसमें यह डोरी लगा लेना है। तो यहाँ पर हमें ऊपर से निशान लगाना है और 1.5 इंच पर हमें इस प्रकार से ये पूरे में निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए, ये टोटल 10.5 इंच था, तो मैंने इस प्रकार से इसमें 1.5 इंच पे निशान लगाया तो एकदम बराबर आया है। आप चाहो तो इसको 1.25 इंच या 2 इंच भी कर सकते हो, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पर लगा सकते हो। देखिए, यहाँ से हमें डोरी लगाना शुरू करना है और एकदम बराबर में हमें इसको लगा देना है। सभी डोरी को एकदम आपको बराबर में बना लेना है पहले। तो इस प्रकार से बनाने के बाद में यहाँ पर आपको जो भी हमने निशान लगाए हैं उसी निशान के बराबर इसको हमें लगा देना है। इस प्रकार से देखिए, मैंने सभी डोरियों को लगा दिया है और उसके बाद यहाँ पर हमें इस पर एक पट्टी बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 1.5 इंच की चौड़ी एक पट्टी ली है, जो कि मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है। तो यहाँ पर हमें इसको इस प्रकार से लगाना है और यहाँ से नीचे वाले कपड़े को हमें खींच लेना है हल्का सा। और यहाँ पर देखिए, मैंने इसको इस प्रकार से लगाना है, यानी जैसे हम हुक वाली पट्टी बनाते हैं उसी प्रकार से इस पट्टी को हमें बना लेना है।
जो हम हुक लगाने के लिए पट्टी बनाते हैं ना, तो उसी प्रकार से इसको हमें बनाना है। और यहाँ पर हमें इस पे इस प्रकार से सिलाई लगा लेना है। जो भी इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन है वो अंदर चला जाएगा और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर ये बनके रेडी हो जाएगी। देखिए इसी प्रकार से आपको यहाँ पर दूसरे साइड का पार्ट्स भी रेडी कर लेना है। देखिए मैंने इस प्रकार से ये दूसरे साइड में भी जैसे हम हुक की पट्टी बनाते हैं उसी प्रकार से मैंने इसको बना लिया है। तो अब यहाँ पर देखिए हमें इसको एकदम बराबर में रखना है और रखने के बाद में यहाँ पर हमें इसमें एकदम बराबर में इसमें निशान लगा लेना है। ये देखिए यहाँ पर आपको डोरी के बराबर में निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें इसमें बटन लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस प्रकार से ये वाले बटन लिए हैं, तो इनको हमें एकदम अच्छी तरह से लगा लेना है। दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। आपको इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर पूरे में ये बटन लगा लेने हैं, जो जैसे हमने यहाँ पर निशान लगाए थे उन निशान के बराबर हमें पूरे में बटन लगा लेना है। बटन लगाने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो डिज़ाइन है कुछ इस प्रकार से बनके रेडी हुई है। तो यहाँ पर आप देखिए कितना सुंदर यहाँ पर बैक का ब्लाउज का डिज़ाइन बना है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और यूनिक यहाँ पर डिज़ाइन बना है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको ऐसे ही डिज़ाइनर ब्लाउज़ और डिज़ाइनर सिलियों के वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।